हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार समझ लेते हैं ये है क्या, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। तो जैसे कि मान लो मुझे क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर दिया है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x। मुझे इसका ग्राफ दे रखा है, इट इज गिवन। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है किसका ग्राफ निकालना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ लेट्स से x माइनस टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ln ऑफ x माइनस टू। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। मतलब इसका ग्राफ ln x का दिया और मुझे निकालना है ln ऑफ x माइनस टू का। या फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो हो जाएगा ln ऑफ माइनस एक्स। जहां जहां मेरा x है उसकी जगह मैंने माइनस एक्स लिखा। या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा ln ऑफ x प्लस टू। फिर और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ln ऑफ लेट से मैंने लिखा 2x, तो हो जाएगा ln ऑफ 2x एंड सो ऑन। ऐसे काफी ट्रांसफॉर्मेशन है, हम पांच छह ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो सारे हम को देखना है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जहां भी x है उसको जगह x माइनस टू लिख रहे हैं। तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे x को x माइनस टू से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ आगे जाके शिफ्ट होता है, माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले मैंने बस इतना बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम करने क्या वाले हैं। अब करेंगे कैसे वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वन। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है f ऑफ माइनस एक्स निकालना है। क्या निकालना है, देखो ऐसे लिख लो, गिवन ग्राफ क्या है, गिवन ग्राफ तो हमारा f ऑफ x है, और टू फाइंड हमें क्या निकालना है, f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ निकालना है। तो क्या करेंगे हम, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, देखो जो भी ग्राफ दिया हुआ है fx का, उसको क्या करेंगे हम, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस के अबाउट। तो क्या लिखो, प्रोसीजर एक ही लाइन का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या लिखेंगे, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस। रटना भी है इसको प्लस समझना भी है इसको। ठीक है, याद भी रखना, एकदम क्रिस्प होना चाहिए कि मुझे fx का ग्राफ दिया है और f ऑफ माइनस एक्स का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लूंगा y एक्सिस पे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, देखना fx इज इक्वल टू कोई भी ले लेता, लेट्स से मैं ln x का ही ले लेता हूं। ये मुझे पता है fx का ग्राफ, ln x का मतलब ये होता है, ये हमने बेसिक ग्राफ में देख चुका है, इसलिए पहले बेसिक ग्राफ कवर किए मैंने, ln x, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सिग्नम, ये सब ग्राफ उन्हीं के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया fx इज इक्वल टू ln x। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है f ऑफ माइनस x, और f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, ln ऑफ माइनस x। तो अब मैंने क्या बोला कि जब भी मुझे f ऑफ माइनस एक्स का निकालना है और f ऑफ x का गिवन है, तो क्या करूंगा मैं, जो गिवन ग्राफ है उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा। तो व्हेन यू विल टेक रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अबाउट y एक्सिस, तो हमारा क्या बनेगा, देखो बच्चों, द ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये ब्लू वाला बनाया, दैट इज नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स। इसी के अंदर बना देते हैं, नहीं तो ये लो, ये हो गया हमारा ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल हमें y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, अच्छा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। देखना, मैंने बोला कि जब भी हमें f ऑफ माइनस एक्स का निकालना है, ये तो हमने याद कर लिया कि हम y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, लेकिन ले क्यों रहे हैं वो समझते हैं। जैसे सुनो कि मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू जैसे ln x ही है। ठीक है, अब देखो जब मैंने f of minus x निकाला तो मेरा आ रहा है ln of minus x, करेक्ट। अच्छा जब मैं इधर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट से मैंने 2 लिया, x के लिए 2 डाला, तो मेरा इधर पॉइंट क्या आ रहा है, 2 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसमें 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ln 2। ठीक है, अच्छा अब खुद सोचो, अब मुझे पता है कि मैं इसमें क्या रखूं, जैसे अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2 रखी तो अनडिफाइंड होगा ये। अब मैंने बोला कि लेट से मुझे ln 2 ही चाहिए, ln 2 ही चाहिए, तो मैं 2 को क्या रखूं, माइनस 2, x को क्या रखूं माइनस 2, तो माइनस 2 को ln 2, और ये दोनों पॉइंट क्या है हमारे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है।
तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ, इन दोनों ग्राफ पे हर एक पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस के अबाउट, हैज द एंटायर ग्राफ, हैज बोथ द ग्राफ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अबाउट y एक्सिस। क्लियर हुआ? ऐसे भी समझ लो कि जैसे मैंने बनाया ln x का, ln x का ये हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू ln x। अब खुद सोचो, जब मैं x के 2 डाल रहा था तो मेरा 2 डाल रहा था तो मेरा इधर ln 2 आ रहा था, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैंने x के क्या डालूं कि ln x को, मतलब देखो ये ऐसे याद रखो सबसे बेटर समझने के लिए, ये देखो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट देना है ब्लैक के अंदर, देखना इसके अंदर और इधर एक ब्लैक बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है। अब मैं इधर ब्लैक सर्कल के अंदर क्या लिख रहा हूं, x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं, तो ln के अंदर क्या जा रहा है मेरा, 2 जा रहा है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं ln के अंदर मुझे 2 भेजना है, उसके लिए मुझे इधर x को क्या रखना पड़ेगा, माइनस 2, तो मुझे ln 2 मिलेगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग मेरा एक इधर पॉइंट होगा माइनस 2, उस पर भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, ln 2, तो ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली हर एक पॉइंट का, जैसे इसका रिफ्लेक्शन लिया तो इधर आएगा, तो व्हेन यू विल ड्रॉ द एंटायर ग्राफ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर हो बच्चों? तो एफ एक्स का दिया है और एफ ऑफ माइनस एक्स का बनाना है मुझे, तो क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन लेना है पूरे ग्राफ का अबाउट वाई एक्सिस। ये तो समझाना हो गया, बट हमें याद होना चाहिए इसको, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं हम आगे, तो मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, याद तो करना ही बट समझ के करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो इन केस अगर तुम्हें कभी कन्फ्यूजन होता है तो तुम उधर ही डीबग कर सको, समझ सको कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हमारा पहला, कि हमने क्या किया, एफ एक्स का दिया और एफ ऑफ माइनस एक्स का निकालना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, x को y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, हमें कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी क्या किया था मैंने इससे पहले वाले में, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो दिस इज माई फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर सेकेंड पार्ट है। क्या बोला, y को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर रहा हूं, y को आई एम रिप्लेसिंग विद माइनस वाई, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे कि मेरा y कितना है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब हम इसमें रिफ्लेक्शन लेंगे x एक्सिस के अबाउट, क्या लेंगे, जैसे मान लो मुझे ln x का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज माय y इज इक्वल टू ln x, ठीक है, और मुझे निकालना है माइनस y इज इक्वल टू ln x, मुझे निकालना है माइनस y इज इक्वल टू ln x, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, इधर से इधर जाने पर मैंने y को रिप्लेस किया किससे, माइनस y से, तो कुछ सोचो अब क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है, अब बोले ऐसा क्यों किया, ये तो रटने वाला चीज हो गया, कि ठीक है हमने रट लिया कि अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो वी विल टेक अबाउट रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, बट ऐसा कर क्यों रहा है, वो सोचो कि देखो x तो मेरा, जैसे मान लो मैंने ये लिया, एक तो y इज इक्वल टू ln x और एक मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस ln x, तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों ग्राफ में केवल अंतर क्या है, नेगेटिव का अंतर है, जैसे इसमें भी मैंने x के 2 डाला और इधर भी मैंने x के 2 डाला, तो इधर मेरा आउटपुट कितना आएगा ln 2, इधर क्या आएगा माइनस ln 2, तो इस ln x पे पॉइंट, इस वाले ग्राफ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया 2, ln 2, और इस वाले ग्राफ पे पॉइंट क्या हो गया 2, माइनस ln 2। अब ये दोनों जो पॉइंट है दे आर मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, 2, ln2 and 2, minus ln2. You can see, ln2 और minus ln2, ये दोनों negative हैं एक दूसरे के, तो अगर मान लो एक point ये है, let's say 2, ln2, तो इसी का vis-a-vis नीचे ये वाला point होगा, ये दोनों length बराबर होगी, तो ये दोनों points क्या है, एक दूसरे के reflection about x-axis, तो ऐसे हर एक point के साथ होगा, ऐसा हर एक point के साथ होगा, तो क्या बोलेंगे हम, जो पूरा graph होगा, क्या हो जाएगा हम, it will be a reflection about x-axis. याद करने में आसानी है, क्योंकि जब हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया था तब बोला था रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, जब मैंने y को माइनस y से रिप्लेस किया तो दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन 2 पे जाते हैं। हालांकि चलो एक आध एग्जाम्पल और देखना है तो देख लो, चलो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहले मैंने बोला ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ, चलो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का बनाया, तो साइन इनवर्स एक्स का हमारा ग्राफ ऐसा होगा, पहले मैंने बोला हुआ है कि जितने भी ग्राफ बनाए दे शुड बी ऑन टिप्स, हर एक ग्राफ रटा हुआ होना चाहिए, तो हमारा डोमेन क्या होता है इसके लिए, माइनस वन से प्लस वन,
ये होता है प्लस पाई बाई टू और ये होता है माइनस पाई बाई टू. दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये तो मुझे पता है, बट उसने क्या बोला है, तुम्हें ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. तो मुझे पता है जब मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा क्या होता है, वील टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस. तो अब मैं अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा तो देखो क्या आएगा, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, इस वाले पार्ट का ये हो जाएगा. तो ब्लू वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स. क्लियर हो बच्चों? ठीक है ना. जैसे और एग्जाम्पल देख लिया मैंने, बोला एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि चलो ई की पावर एक्स का लेते हैं, e की पावर x, मुझे बनाना है e की पावर माइनस x. तो e की पावर x का तुम्हें बनवाया, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, e की पावर माइनस x. तो अब ये वाला तो क्या होगा, e की पावर x. अब मैंने क्या बोला, क्या करेंगे हम, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे. मुझे अगर e की पावर माइनस x बनाना है तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन तो ये हो जाएगा और इस वाले पार्ट का ये हो जाएगा. तो ब्लू वाला ग्राफ क्या हो गया, e की पावर माइनस x. समझ में आया क्या किया हमने, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस. ठीक है, चलो अब जैसे मान लो मुझे ऐसा बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस x. तो अभी देखो इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन लगे, कैसे कैसे देखना. इस वाले को ऑब्टेन करने के लिए पहले हम y इज इक्वल टू ई की पावर x से स्टार्ट करते हैं. पहले मैंने क्या किया, x को माइनस x से रिप्लेस किया, फिर मेरा क्या इधर क्या आ जाएगा आउटपुट, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x. फिर मैं क्या करूंगा, इसमें y को माइनस y से रिप्लेस करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स. यही मुझे चाहिए था. तो हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे. तो देखो ई की पावर माइनस एक्स मेरा ऑलरेडी आ चुका है तो मैं इसकी मदद से निकाल रहा हूँ. ई की पावर एक्स से पहले ई की पावर माइनस एक्स गए, ई की पावर माइनस एक्स गए, अब वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया. तो क्या करूँ मैं, जो ब्लू वाला ग्राफ है ठीक है उसको रब कर देता हूँ ब्लैक वाले को. मैंने बोला ई की पावर माइनस एक्स मेरा ये है, ठीक है. अब मैंने बोला इससे मुझे ये चाहिए तो क्या लगाया, y को माइनस वाई से, y को माइनस वाई से करते हैं तो क्या करते हैं हम, विल टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. तो देखने मैं इस रेड कलर से बना देता हूं, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ माइनस ई की पावर माइनस x जो रेड में बनाया है. क्या किया मैंने, जो e की पावर माइनस x ग्राफ था उसका इमेज ले लिया किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट. तो मेरा आ गया माइनस ई की पावर माइनस x. तो समझ में आया. तो हमें एक ही ग्राफ के अंदर दो, अभी तो जैसे मैंने दो ही पढ़ा है, अभी हम चार पांच छह सात और बहुत पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेट 10 होगा. ठीक है, तो वो एक ही मतलब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगे, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा क्योंकि एक भी अगर बीच में गलती किया तो फाइनल आउटपुट गलत आ जाएगा. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को. तो चलो एक बार लास्टली एक बार और रिकॉल करते हैं, x को अगर माइनस x से रिप्लेस किया तो वी विल टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस. x को माइनस x से किया तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे और अगर y को माइनस y से रिप्लेस किया तो वी विल टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. क्लियर है, ये दो बातें याद रखना. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वन के अंदर ये दो चीज पढ़ी हमने. अब जब करते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम करेंगे शिफ्टिंग ऑफ कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ. वो कैसे है वो देखते हैं पहले. अब देखना ध्यान से बच्चों, जैसे मेरे को ये दे रखा है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टू और उसके अंदर भी पहला पार्ट मेरे को दिया है f ऑफ x और मुझे चाहिए f ऑफ x माइनस a, वेयर माय a इज पॉजिटिव. a नेगेटिव भी होगा वो भी बताऊंगा मैं, पहले a पॉजिटिव है. तो इसका मतलब क्या है, जैसे मुझे ln x दे रखा है और मुझे चाहिए ln ऑफ x माइनस लेट्स से 2. ठीक, ln x का पता है बेसिक ग्राफ से, मुझे निकालना है ln ऑफ x माइनस 2. तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो पहले लिख लेते हैं हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट the entire graph parallel to x-axis two units to the right. समझ में आया क्या किया. चलो एक बार ग्राफिकली देखते हैं. मैंने बोला पहले ln x का दिया मुझे, तो ln x का ग्राफ मुझे दे रखा है ये. This is my y is equal to ln x. अब मुझे क्या बनाना है, ln of x minus 2. तो उसने क्या बोला, इसी ग्राफ को 2 units shift करो parallel to the x axis. मतलब हमें ऐसे ही shift करना है. तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. अब मेरा ln of x देखो ये, अब देखना इसको ध्यान से scale करना. ये होगा मेरा ग्राफ. This is y is equal to ln of x minus 2. अच्छा अभी जैसे
इतना बनाना सफिशिएंट है, हमें कुछ पॉइंट्स भी मार्क करना पड़ेगा। जैसे कि देखना क्या बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या था, ln x का 0 होता है, 1 पे 0 होता है, तो ln ये 1, 0 पॉइंट है। तो जब मैं 2 यूनिट्स उस साइड खिसकाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, 0। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा हमें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करनी पड़ेगी, दैट इज एस एम डोट। देखो पहले क्या कर रहा था, ये ग्राफ y एक्सिस को अप्रोच कर रहा था इंडेफिनेटली, y-axis is the asymptote। अब इधर क्या करेगा, ये वाली लाइन बस 2 यूनिट इस साइड चली गई, तो ये इस लाइन को अप्रोच करेगी, दिस इज माय, ये लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन, एक्चुअली ये वाली जो y एक्सिस है वो 2 यूनिट खिसक गई ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, 0। क्लियर हुआ बच्चों? तो ओवरऑल ग्राफ क्या बना, मैं एक अलग से बना देता हूँ, ln of x माइनस 2 का देखना, ln of x माइनस 2 का, दिस इज माई asymptote, ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज ln ऑफ x माइनस 2, दिस इज 3, 0 एंड दिस इज 2, 0 एंड दिस इज 0, 0 ऑफ कोर्स। क्लियर है? क्या किया हमने, 2 यूनिट्स पैरेलल शिफ्ट किया और टूवर्ड्स राइट, जब x माइनस 2 है, और अगर यही चीज x प्लस 2 होती तो हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते, समझ में आया? अच्छा अब तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम राइट की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो जैसे ln x में मुझे आउटपुट 0 चाहिए, तो x के आगे क्या डालना पड़ेगा, 1। अब वही चीज अगर मैं बोलूं कि ln x माइनस 2 में मुझे आउटपुट 0 चाहिए, तो उसके लिए ln का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ln का 1, और ln के 1 के आर्ग्यूमेंट के लिए इस वाले केस में x क्या होना चाहिए, 3। तो 1 से 3 पे जंप कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो आउटपुट मुझे 0 इधर x इजिकल टू 1 पे मिल रहा था, वही आउटपुट मुझे इधर x इजिकल टू 3 पे मिल रहा है, इसका मतलब कर्व क्या हुआ, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया 2 यूनिट से। क्लियर है बच्चों? समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। चलो तो इसका काम करो, एक काम करो, अब तुम खुद से लिख लो इस पॉइंट को, अगले पॉइंट को क्या लिखोगे कि ln of fx से मैं f of x plus a जा रहा हूं, f of x plus a जा रहा हूं, मतलब इधर होगा ln x की ln x plus 2, ln x plus 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे कर्व को, विल शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट 2 यूनिट्स, क्योंकि 2 से शिफ्ट किया है, ठीक है। तो तुम ये वाला स्टेटमेंट तुम खुद से लिखो वीडियो पॉज करके, मैं ln of x plus 2 का ग्राफ और बनाता हूं, ठीक है। तो आई विल रब दिस पार्ट, मैंने क्या बोला, ln of x plus 2 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ln of x plus 2, तो उसके लिए पहले मैं ln x का बनाया, चलो दिस इज माई ln x, दिस ब्लैक वन, ठीक है। अब मैंने बोला 2 यूनिट्स इस साइड शिफ्ट करना है, 2 यूनिट्स इस साइड शिफ्ट करना है, तो देखो अब कैसा लगेगा ग्राफ। पहले y एक्सिस मेरा asymptote था, अब x इज इक्वल टू माइनस 2 विल बी द asymptote, क्योंकि asymptote 2 यूनिट पीछे आ गई। अब मेरा ग्राफ देखना क्या होगा, अब देखो अब इसमें इधर भी रख के देख सकते हैं, 0 कब होगा, जब x माइनस 1 होगा, तो ओवरऑल मेरा इधर से पास करेगा ग्राफ, दिस विल बी द एसिम्प्टोट, वो ग्राफ जाएगा ऐसे पैरेलल, तो ये पैरेलल ही स्ट्राइक शिफ्ट हो गया, ठीक है। दिस इज माइनस 1, तो देखो अब ये जो 1 वाला पॉइंट था वो माइनस 1 पे चला गया, मतलब 2 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ कर्व शिफ्ट हो गया, तो दिस विल बी ln ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज ln x। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है चलो अब एक आध और देख लेते हम, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ ले लिया, सपोज हमने लिया साइन इनवर्स का ही ले लेते हैं, सपोज साइन इनवर्स एक्स, ये ग्राफ दिया है और मुझे बनाना है इससे वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलो एक्स माइनस 3 करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करूंगा, मैं 3 यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो पहले तो मैं साइन इनवर्स एक्स बना लेता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स मेरा हो गया, देखो साइन इनवर्स एक्स ये मेरा कर्व हो गया साइन इनवर्स एक्स का, this is y is equal to sin inverse x, this is 1, this is minus 1, this is 0, this is pi by 2 and this is minus pi by 2। अब उसने क्या बोला कि हमें जो ग्राफ है वो 3 यूनिट्स आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो जब मैं 3 यूनिट शिफ्ट करूंगा तो देखना क्या हो रहा है, मैं रेड कलर से बनाता हूं, ये 0 वाला पॉइंट, ये वाला 0 वाला पॉइंट इधर आ जाएगा 3 पे, तो लेट्स से दिस इज 3, माइनस 1 वाला पॉइंट कहां आएगा, 3 यूनिट आगे करूंगा तो 2 पे, तो ये आ जाएगा 2, 1 वाला पॉइंट कहाँ आएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा। अच्छा अब देखना क्या होगा, हमारा आउटपुट
ये मैं बना देता हूँ सपोर्टिंग के लिए, अब देखना क्या होगा। 2, 3 और ये मेरा 4। अब कर्व हो जाएगा हमारा ऐसे, जो मैं रेड में बना रहा हूं दिस पार्ट, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3। देख रहा है 3 यूनिट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? ये 0 वाला पॉइंट था 3 पे आ गया, 1 वाला 4 पे, माइनस 1 वाला 2 पे। क्लियर हो बच्चों? तो कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, प्लस बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए का बनाना है तो आगे की तरफ ए यूनिट से शिफ्ट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का बनाना है तो पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तब देखो मजेदार क्वेश्चन बनेंगे जब हम 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाएंगे ना, जब मस्त क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी तो फिर भी इजी लगेगा अगर हम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करेंगे, तो हम मिक्स एग्जांपल करेंगे जब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा x को रिप्लेस किया x माइनस ए से। अब सिमिलरली हम y पे आ जाते हैं, y पे आते हैं तो y में क्या करूंगा मैं, देखो मेरे को दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अब मुझे निकालना है y माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब तुम इससे देख रहे हो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इस ये चीज मुझे निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अच्छा, मैंने मान लिया ए इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। अब देखना क्या हो रहा है, जब हम x को x माइनस ए से रिप्लेस कर रहे थे तो आगे की तरफ मूव कर रहा था ग्राफ, और x प्लस ए से पीछे की तरफ। अब जब तुम x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे, अब हम y एक्सिस पे मूव करेंगे। जब मैंने y को y माइनस ए से रिप्लेस किया तो मैं ग्राफ को शिफ्ट करूंगा अपवर्ड विद ए यूनिट्स, और दिख भी रहा है यहां से, क्लियर हो रहा है। y को मैं क्या कर रहा हूं, एफ एक्स प्लस ए, ए इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ए यूनिट से उस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। समझ में आया बच्चों? तो इधर लिख लो तुम, ग्राफ विल शिफ्ट द एंटायर ग्राफ विद ए यूनिट्स अपवर्ड। क्या लिखो, शिफ्ट द एंटायर ग्राफ विद ए यूनिट्स अपवर्ड। समझ में आया क्या हुआ? और सिमिलरली इसी में डिस्कस कर लेते हैं, अगर मैंने y को y प्लस ए से रिप्लेस किया तब क्या होगा, देखो इधर से क्लियर हो रहा है, एफ एक्स माइनस ए, तो एफ एक्स में से ए घट रहा है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, ए यूनिट्स नीचे आ रहा है, तो इधर क्या लिखोगे तुम, तो शिफ्ट द एंटायर ग्राफ विथ ए यूनिट्स डाउनवर्ड। क्लियर हो बच्चों? क्या बोला मैं, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई को वाई माइनस ए से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर, वाई को वाई प्लस ए से रिप्लेस करूंगा तो नीचे, x को x माइनस ए से रिप्लेस करूंगा तो लेफ्ट, x को x प्लस ए से रिप्लेस करूंगा सॉरी आगे की तरफ, और x को x प्लस ए से रिप्लेस करूंगा तो पीछे की तरफ। तो याद रखना है, मैं आगे पीछे ऊपर नीचे, x माइनस ए x प्लस ए, y माइनस ए y प्लस ए, ऐसे याद रखना। क्लियर है बच्चों? तो इसके ऊपर एक 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं छोटे छोटे, और मिक्स एग्जांपल में जैसा कि मैंने बोला सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं मिक्स एग्जांपल लूंगा। ठीक है, हम काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने लिखा जैसे y इज इक्वल टू, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू, चलो ln के ऊपर ले लेते हैं, चलो sin के ऊपर लेते हैं, sin ऑफ y माइनस, इसको फिर करो पाई बाय 2, sin ऑफ x माइनस 2। अब देखो, अब जो भी मैंने सीखा अभी तक, दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे इसमें अब। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें ये इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो एक तो मैंने क्या किया इसमें, जैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इनवर्स कर देते हैं इसको। ठीक है, तो साइन इनवर्स x से स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x को रिप्लेस करूंगा x माइनस 2 से, तो मेरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 2। अभी ये रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं है, अभी मेरे को एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें, y को रिप्लेस करूंगा y माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा y माइनस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 है अपना उधर, तो y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 2, यही मेरे को चाहिए। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखना, मैंने लिखा ये मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ, एकदम याद होना चाहिए जो बेसिक ग्राफ्स है। ठीक है ना, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग, एकदम टिप्स पे होना चाहिए सारे ग्राफ। जैसे 0 1 माइनस 1 पाई बाय 2 का माइनस, और ये प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो पहले मैं साइन इनवर्स x माइनस 2 बनाता हूँ, तो x माइनस 2, इससे पहले हमने x माइनस 3 बनाया था, तो x माइनस 2 में क्या करूंगा, इसी ग्राफ को 2 यूनिट्स आगे खिसकाऊंगा, तो इधर बना लेता हूं मैं, ये मेरा 0 है,
अब देखना, वन वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा टू यूनिट्स के स्कैन के बाद, थ्री पे। माइनस वन वाला कहां पहुंच जाएगा, वन पे। और जीरो वाला कहां हो जाएगा, टू पे। तो ग्राफ हमारा हो जाएगा ऐसा कुछ, तो छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, बाकी ग्राफ विल लुक इस ऐसा ही होगा, ठीक है। दिस इज पाई बाय टू, दिस इज माइनस पाई बाय टू, समझ में आया, जो ब्लैक से बनाया मैंने, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स एक्स माइनस टू। अब क्या करूं मैं, अब जैसे इसने बोला वाई माइनस ए, ए इज पॉजिटिव, तो वाई माइनस पाई बाय टू मतलब क्या होगा, पाई बाय टू ऊपर चला जाएगा, तो पाई बाय टू जब ऊपर जाएगा तो देखो ये माइनस पाई बाय टू है, तो ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस में चला जाएगा। तो देखो मैं क्या बना रहा हूं, देखना ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया ये वाला पॉइंट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वाला पॉइंट कहां चलेगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू मतलब पाई पे, और ये हमारा जो जीरो वाला पॉइंट था, दिस विल बी पाई बाय टू और ये जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। क्लियर हुआ बच्चों, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ वाई माइनस पाई बाय टू इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों समझ में आया। अभी हम और एग्जांपल देखेंगे मिक्स, थोड़ा पहले हम और कवर कर लें ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अब तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखे अभी तक। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, तब हमने लिया था रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये तो हो गया माइनस वाला पार्ट। फिर हम आए x को x माइनस a से रिप्लेस करते हैं तो आगे की तरफ a यूनिट्स, x को x प्लस a करते हैं तो पीछे की तरफ a यूनिट्स, y को y माइनस a से रिप्लेस करते हैं तो a यूनिट्स ऊपर की तरफ, y को y प्लस a से रिप्लेस करते हैं तो a यूनिट्स नीचे की तरफ, ठीक है, इतना पढ़ लिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारा क्या देखना, ध्यान से पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मुझे y इज इक्वल टू लेट से साइन x का दिया है और मुझे निकालना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लेट से 2x, ये तो इसका मतलब क्या है हमारा, हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2x से। तो जनरलाइज में क्या करूंगा, x को रिप्लेस करूंगा kx से, वेयर k इज 2। तो ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो, व्हेन x इज रिप्लेस बाय kx, ये सबसे आसान ट्रांसफॉर्मेशन है, लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आसान है। सुनना, पहले मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कर क्या रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, पहले साइन इन साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो देखना मेरा ग्राफ आएगा ऐसा, एक ही साइकिल के लिए बना लेता हूँ, हालांकि रिपीट होगा ये, चलो बना लेते, इतना बना लेते हैं, ठीक है, चलो पूरा बन ही रहा है तो दो साइकिल बना लेते कम से कम, ये लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ये हो गया जीरो, ये होता है पाई, ये होता है टू पाई, ये होता है माइनस पाई, ये होता है माइनस टू पाई, ये तो हो गया मेरा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब स्टेटमेंट क्या है, मुझे साइन एक्स टू एक्स बनाना है, तो क्या करो कि जो भी एक्स एक्सिस पे जो भी जहां भी ये ग्राफ कट कर रहा है ना, उन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट को के से डिवाइड कर दो, के हेयर इज टू तो टू से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या बोला, जो जो भी यहां भी ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को इधर x इज इक्वल टू लेट से पाई बाय टू रखने पे मुझे क्या मिल रहा था, साइन पाई बाय टू वन। अब 2x में मेरे को साइन का इतना आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू चाहिए, तो वो लाने के लिए मुझे x क्या रखना पड़ेगा, पाई बाय फोर, तो आर्ग्यूमेंट आधा हो रहा है ना, मतलब तो क्या हो रहा है बेसिकली, पहले पाई रखने पे जीरो आ रहा था, अब पाई बाय टू रखने पे जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या करें हम, इसको पाई बाय टू कर देते हैं, सिमिलरली टू पाई पे, तो हर एक जो वैल्यू है इधर जो भी रूट है वो हर एक टू से डिवाइड होगा, जीरो डिवाइड बाय टू जीरो, तो माइनस पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय टू, समझ में आया। तो अब क्या करें, अब इसको लिख लो, क्या करोगे, क्या लिखो, डिवाइड एवरी एक्स, मतलब ऐसे लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो ज्यादा तरीके अच्छे से रहेगा, एक बार हिंदी में ऐसे लिख लो, जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उसके x कोऑर्डिनेट को k से डिवाइड कर दो, k हेयर इज टू तो 2 से डिवाइड कर दिया, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे को लेना है लेट से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x, ठीक है, तो बहुत आसान है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ तो साइन इनवर्स x का ही बनाना है, बस हम x एक्सिस को स्केल कर देंगे, क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया, तो साइन इनवर्स x का हुआ ये और ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब क्या करेंगे, आप पूरा ग्राफ वही बनाएंगे, y एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये पाई बाय टू है,
ये माइनस पाई बाई टू है। अब क्या करेंगे, वैसे इधर क्या था हमारा, वन था, इसको लिख देंगे वन बाय फाइव, ये हमारा क्या था माइनस वन, इसको लिख देंगे माइनस वन बाय फाइव, ये जीरो डिवाइड बाय फाइव जीरो ही। तो समझ में आया क्या हुआ, एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स थे सभी को मैंने फाइव से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया, अब देखना एक और चीज लिख लेना इसके बारे में। देखो जब भी हम k की वैल्यू लिख लो इधर, व्हेन k इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो खुद सोचो ग्राफ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। क्यों? देखो पहले 0 टू पाई बाय 2 में आधी साइकिल आ रही थी, बट अभी फुल साइकिल आ रही है, मतलब हाफ साइकिल आ रही है। वैसे 0 से पाई बाय 2 के में 1/4 साइकिल आती है। जैसे अगर मान लो मैं इसी स्केल में sin x का ग्राफ बनाऊं तो पाई बाय 2 में मेरे ऐसा होगा ना, समझ में आया? ये किसका ग्राफ है, y is equal to sin x का, और ये कितना है मेरा y is equal to sin of 2x का। तो खुद सोचो पहले मेरी साइकिल ऐसी आ रही थी बड़ी बड़ी इस टाइप से, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ बेसिकली, ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो गया ना। तो k greater than 1 होगा तब मेरा ग्राफ क्या होगा, एक्चुअली कंप्रेस होगा। When k is less than 1, k is less than 1 होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 1 को जैसे इधर जैसे 1 है, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने इधर x की जगह x by 2 लिया होता, तो हम क्या करते, 1 को 1 by 2 से रिप्लेस करते, सॉरी 1 को डिवाइड करते 1 by 2 से, तो ओवरऑल ये 2 हो जाता और ये माइनस 2 हो जाता। अगर मैं साइन इनवर्स x by 2 का बनाता तो क्या करता मैं, x एक्सिस जहां भी जो x एक्सिस है उसको नया स्केल करके क्या करता, हर एक पॉइंट को डिवाइड करता मैं 2 से, तो ये 2 हो, तो अब दिख रहा है एक्सपैंड हो गया। पहले तो माइनस 1 से 1 के बीच में आ जाता था ग्राफ, अब एक्सपैंड हो गया। तो ऐसा लिख लो, तुम लोग क्या लिखोगे, when k is greater than 1 ग्राफ कंप्रेसेस, y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, x एक्सिस में कंप्रेस हो जाएगा, और when k is less than 1 ग्राफ विल एक्सपैंड, सो दैट यू नोट इट डाउन। ठीक है, चलो तो इधर लिख लो, नहीं तो मैं लिख देता हूं। क्या लिखेंगे इसको, मैं रब कर देता हूं, तुम लोग बना लेना इसको। क्या लिखा, when k is greater than 1, when k is greater than 1 then ग्राफ compresses, or when k is less than 1 graph expands। ठीक है ना, समझ में आया? चलो तो ये हो गया हमारा x एक्सिस में स्केल। अब हम देख लेते हैं y एक्सिस में स्केल, क्योंकि हम पैरेलल ही चल रहे हैं, पहले हम x पे करते हैं फिर उसी का हम y पे जाते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग इसको लिख लो और एग्जांपल करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अभी के लिए लिख लो। अब देखना, अब मैंने क्या बोला, अब हम y को ky से रिप्लेस कर रहे हैं, नाउ आई एम रिप्लेसिंग y विद ky। तो एग्जांपल के तौर पे यही वाला ले लेते हैं, साइन इनवर्स वाला। तो मैंने लिया y इज इक्वल टू, मेरे को साइन इनवर्स x दिया है और मुझे ग्राफ बनाना है 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैंने क्या किया इधर, y को रिप्लेस किया 2y से। तो बेसिकली दिस, इससे क्या निकला मेरा कंक्लूजन, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो बहुत आसान हो गया, इधर तो साइन इनवर्स x है ही, बस क्या किया हमने y में स्केल कर दिया। अब क्या किया, y एक्सिस में कंप्रेस कर दिया, जब हमारा k जो है ग्रेटर देन 1 है विच इज 2 हियर। तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैं साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया, अब मैं x एक्सिस को नहीं छेड़ूंगा, x एक्सिस तो मेरा क्या रहेगा, इधर प्लस 1 इधर माइनस 1। अब y एक्सिस में हम खेलेंगे, क्या होगा हमारा, इधर पहले क्या था पाई बाई 2, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि जैसे साइन इनवर्स 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं केवल साइन इनवर्स की बात करता हूं तो x इज इक्वल टू 1 पे पाई बाई 2 आता है, बट अब मुझे 1 पे क्या चाहिए, 1 पे अगर मैंने इधर 1 रखा तो क्या आएगा, इधर पाई बाई 2 इंटू हाफ पाई बाई 4, तो ये मेरी क्या हो जाएगी पाई बाई 4। सिमिलरली दिस विल बी माइनस पाई बाई 4। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ना कि हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस में स्केल कर रहे हैं, y एक्सिस में कंप्रेस हो रहा है। और यही मान लो, अगर मान लो मैंने y by 2 किया होता, y by 2 is equal to sin inverse x, तो फिर इधर से क्या आता, y is equal to 2 sin inverse x। तो अब को सोचो क्या हो रहा है, x is equal to 1 पे 2 into pi by 2 pi मिलेगा, तो उसका मतलब expand हो जाएगा along y axis, तो graph will be x axis में तो वही रहेगा plus 1 and minus 1, इधर हमारा this will be minus 1 this will be plus 1। अब y axis में scale हो जाएगा, that is dead dash line, y axis में क्या हो जाएगा, ये कितना था pi by 2, अब पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो 2 पाई, सॉरी हाँ पाई हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी इधर से भी चेक कर सकते हो, x इक्वल टू 1 रखो तो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 2 इज पाई, तो पाई आ गया 1 पे। सिमिलर हियर यू विल गेट माइनस पाई।
तो काफी कुछ सिमिलर है, मतलब ऐसा नहीं कि हम 8 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, 10 तो 10ों में अलग अलग मेहनत करनी पड़े, दो दो तो सेम ही सेम है। जैसे जैसे मैंने अभी जैसे लिखा एक्स को के एक्स से रिप्लेस किया तो एक्स एक्सिस के अबाउट कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहा है, उसी प्रकार वाई को के वाई से रिप्लेस करूँ तो वाई एक्सिस में हो रहा है। तो ये कुल मिला के दो किए तो हमने दो, बट कुल मिला के है तो एक ही, याद तो एक ही रखना है हमें, ठीक है। इसी प्रकार एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था तब हम क्या कर रहे थे, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे थे, वाई को माइनस वाई से कर रहे थे हम एक्स एक्सिस के अबाउट रहे हैं, तो वो भी ओवरऑल एक ही है। सिमिलरली एक्स माइनस ए वाला भी एक ही है, जैसे एक्स को एक्स माइनस ए से कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, वाई को वाई माइनस ए से रिप्लेस कर रहे तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है फॉर ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ बच्चों? तो जैसे अभी हमने कितने पढ़े, टोटल 6 पढ़ लिए, बट अगर देखा जाए याद रखने के लिए तो हमारे पास 3 ही है, समझ में आया ना बच्चों? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ अभी तक के सबसे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, तुम लोग एक बार ट्रांसफॉर्मेशन सीख लोगे सारे रूल्स आ जाएंगे, दो और बचे इसके बाद, उसके बाद फिर मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलो अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड फोर्थ, रिप्लेसिंग एक्स विद मॉड ऑफ एक्स, रिप्लेसिंग एक्स विद मॉड एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वाई इज इक्वल टू एक दिया मेरे को, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो एल एन एक्स लेते हैं। चलो साइन इनवर्स एक्स बहुत हो गया, अब एल एन एक्स लेते हैं। अब मुझे निकालना है वाई, ये तो मेरा गिवन है, मेरा गिवन है मतलब ये तो बेसिक ग्राफ हो गया। अब मुझे निकालना है एल एन ऑफ मॉड एक्स, मतलब एक्स को मैंने मॉड एक्स से रिप्लेस किया। तो पहले वीडियो पॉज करके तुम खुद सोचो कि क्या क्या चेंज होगा ग्राफ में, ठीक है। फर्स्ट यू थिंक इट, मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ योर ओन एल एन एक्स, तुम एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ खुद से। तो पहले तो मैं एल एन एक्स का बना देता हूँ, ये मेरा एल एन एक्स का हो गया। अब देखना क्या कर रहे हैं, इधर मेरा एल एन मॉड एक्स है। अच्छा, इसको समझाने के लिए एल एन मॉड एक्स से बेटर रहेगा एक काम करते हैं, मैं एल एन एक्स के लिए दूसरा कर्व ले लेता हूँ थोड़ा सा इसमें, ये भी आसान ही है लेकिन इसमें वो चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन इनवर्स एक्स ले लेता हूँ और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स मॉड एक्स, फिर हम उस पर भी आते हैं दोबारा। पहले मैं साइन इनवर्स एक्स ले लेता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी प्लस वन, दिस विल बी माइनस वन, माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज प्लस पाई बाई टू, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। आप खुद सोचो क्या होगा, देखो हम इसमें वन और माइनस वन डाल रहे थे तो अलग अलग बिहेवियर था साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में जब मैं एक्स के वन डाल रहा हूँ तो साइन इनवर्स, लेट्स से मैंने हाफ डाला तो साइन इनवर्स एक्स हाफ कितना हो रहा था, पाई बाय साइन इनवर्स हाफ पाई बाय सिक्स, और साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना हो रहा था, माइनस पाई बाय सिक्स। तो नेचर अलग था, बट आप खुद सोचो जब मॉड एक्स है तो इस वाले चीज में जो साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है, चलो इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ मैं, जो साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे तुम एक्स को वन डालो चाहे माइनस वन डालो, वो रिजल्टेंट क्या जाएगा साइन इनवर्स के अंदर, वन वन जाएगा। दोबारा एक बार मैंने बोला, इसमें चाहे तुम एक्स के टू डालो या फिर एक्स टू तो डाल ही नहीं सकते, खैर साइन इनवर्स है तो लेट्स से हाफ डालो चाहे माइनस हाफ डालो, इन बोथ द केसेस जो साइन के अंदर साइन इनवर्स के अंदर जो जाने वाला है वो हाफ ही है। अब इससे कंक्लूड करो क्या होने वाला है, मतलब माइनस की वैल्यूज का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, माइनस डालोगे तो भी वो पॉजिटिव वन के अंदर जा रही है, तो माइनस के अबाउट तो ग्राफ होगा ही नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस हाफ डाला तो भी वही वैल्यू आएगी जो हाफ पे आ रही है, जो हाफ पे आ रही है, इसका मतलब जो माइनस हाफ पे वैल्यू वही लेंगे जो हाफ पे आ रही है, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा हर एक पॉइंट, तो क्या होगा बेसिकली ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मतलब हम हाफ माइनस हाफ डालें चाहे प्लस हाफ डालें दोनों ही केस में आउटपुट विल बी सेम, दैट इज पाई बाई सिक्स। तो नेगेटिव वैल्यूज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम नेगेटिव डाल रहे हैं बट एक्चुअली तो पॉजिटिव वन के अंदर जा रही है, तो इससे मतलब कंक्लूजन क्या निकला, क्या करेंगे हम, प्रोसीजर क्या होगा हमारा प्लॉट करने का, कि हम जो भी ग्राफ दिया है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे उसको रब करेंगे, कंप्लीट इरेज करेंगे, और जो भी ग्राफ बचा हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। क्या किया, दोबारा इधर इसको लिख लो, क्या लिखेंगे, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, प्रोसीजर होगा हमारा, देखना क्या बोल रहा हूं मैं, पहले तो रब करेंगे ग्राफ ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, रब रब द ग्राफ या इरेज द ग्राफ, इरेज द ग्राफ टू द
लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, पहले तो रब कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, जैसे मैंने इसके नीचे साइन वर्सेस का ग्राफ मिटा दिया, अब क्या होगा जो बचा हुआ ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लो वाई एक्सिस के बाद। नाउ टेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमेनिंग ग्राफ या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम माइनस हाफ डाल रहे थे वैल्यू तब भी वो एक्चुअली हाफ की तरह जा रही थी, तो जो हाफ में वैल्यू मिल रही वही माइनस हाफ में मिलेगी, तो ये दोनों पॉइंट पे जो आउटपुट मिलेगा वाई वो सेम होगा, तो ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होगा। तो बस क्या होगा, जो ग्राफ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाया है वही हमें नेगेटिव के लिए बनाना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो अब देख लेते हैं वाई को, जैसे कि अब हर बार करते आ रहे हैं, सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं हम, पहले एक्स पे वर्क करते हैं फिर वाई पे, तो अब क्या होगा हमारा वाई को रिप्लेस करेंगे मॉड वाई से। तो नाउ वी विल डू, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, अब लिख रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन 4 के अंदर ही सेकेंड पार्ट क्या होगा, रिप्लेसिंग वाई विथ मॉड वाई। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, और मुझे प्लॉट करना है मॉड वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्या किया हमने, वाई को मॉड वाई से रिप्लेस किया है। तो आपको सोचो, जब एक्स, मैंने क्या बोला, सिमेट्री मेंटेन है हमारी, तो हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एक्स एक्सिस में एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे थे, तब क्या किया था कि जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में कर्व था उसको रब किया, और जो बचा हुआ ग्राफ था उसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया। अब हम एक्स एक्सिस में प्ले करेंगे, क्या करेंगे, मतलब कि जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा नीचे उसको रब करेंगे, क्लीन करेंगे, और जो बचा हुआ ग्राफ होगा उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, देखो इधर ही लिख लेते हैं, इधर मैंने क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन रिमेनिंग ग्राफ अबाउट, इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस, रब इरेज द ग्राफ टू द बॉटम ऑफ एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको क्लीन करेंगे, रब करेंगे, और जो बचा हुआ ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसे मान लो इसी का बनाना है, तो क्या करेंगे हम, ये हो गया मेरा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो पहले साइन इनवर्स एक्स बनाया फास्ट, ये हो गया हमारा। अब उसने क्या बोला कि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है दैट इज ब्लैक वन, ये इसको रब करो। अब क्या करो, जो एक्स एक्सिस जो बचा हुआ ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो दिस टू, ये दोनों ब्रांच रहेंगे इसमें, दिस इज नाउ ग्राफ ऑफ, ये दोनों मिला के ग्राफ किसका बोलूंगा, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ और क्लियरिटी के लिए, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना, क्या लिखा, इरेज द ग्राफ टू द बॉटम ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नीचे वाला पार्ट मिटाओ, और फिर रिमेनिंग ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब जैसे मैंने मान लो एल एन एक्स का ही ले लेता हूँ, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो इसके लिए पहले मैंने एल एन एक्स का बनाया, तो एल एन एक्स का मेरा ये हो गया वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, उसने क्या बोला कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे उसको रब कर दो, तो ठीक है चलो कर दिया, ये लो कर दिया। अब क्या करें, अब जो बचा हुआ ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, तो इस टाइप का हो जाएगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, हम आगे चल के पढ़ेंगे फंक्शन पे, जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स पे मुझे दो दो वाई मिल रहे ना, दिस इज वाई वन एंड वाई टू, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, बाकी हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है वो एक्चुअल डेफिनेशन जब स्टार्ट करेंगे, बट जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए, बट इधर लेट्स से ये एक्स वन है, तो इधर तो मुझे दो वाई मिल रहे ना, एक तो लेट्स से ये वाई वन और लेट्स से ये वाई टू, तो जो मॉड वाई वाला ग्राफ होता है दैट इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना, वो बात के बाद डिस्कशन, अभी हमने ये देखना है बस करना क्या है। ठीक है, तो समझ में आया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जितना जरूरी है अभी उतना ही बनाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था ये। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्या किया हमने, एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ मिटाया और फिर जो बचा हुआ ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लो, अब हम लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। ठीक है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखना क्या कर रहे हैं, दिस इज अवर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, को सोचना है इसमें क्या होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ,
क्या किया हमने, पहले तो y की साइड मोड लगाया था, अब हम लिख रहे हैं मोड ऑफ ln x, मतलब y को अब हम नॉन नेगेटिव बना रहे हैं, दिस इज नॉन नेगेटिव, मतलब कुल मिला के हो क्या रहा है, जो मेरा fx का कर्व था उस पे देखना सुनना, जैसे मेरा मान लो ln x की ले लेता हूं, मुझे बनाना है ये y is equal to mod of ln x suppose, तो क्या हो रहा होगा सुनना, देखो केवल ln x का ग्राफ तो क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी दे रहा है, ln x 0 से 1 के लिए, x अगर 0 से 1 होगा तो ln x तो नेगेटिव है, x एक्सिस के नीचे है, बट मैंने मॉड लगा दिया तो क्या किया बेसिकली, मॉड क्या करेगा, जैसे मान लो पहले x is equal to half पे, जैसे x is equal to half पे एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल मान लिया मैंने कि वैल्यू मुझे मान लो माइनस 2 मिल रही थी, अब क्या होगा वो माइनस 2 को मॉड क्या कर देगा, प्लस 2 कर देगा, इसका मतलब क्या है, खुद सोचो कि जैसे मान लो ये मेरा x कुछ कोई तो x1 वैल्यू है, जब मैं ln x में डाल रहा था तो मुझे वैल्यू मिल रही थी ये वाली, और लेट से इसका मैग्नीट्यूड लेट से माइनस 2 है, अब क्या होगा वो क्या करेगा, माइनस 2 पे बस मॉड लगा देगा, तो माइनस 2 पे मॉड लगा देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इधर चला गया। अच्छा पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जब मेरा ln x पॉजिटिव है तब तो मॉड लगाने का कोई फर्क ही नहीं है, तो पॉजिटिव जब मेरा ln x पॉजिटिव, और ln x पॉजिटिव कब होता है, x is equal to 1 के बाद, तो ये वाला ग्राफ तो वही रहेगा पहले वाला ही, बट जब मैं जिन x के लिए मेरा y नेगेटिव आ रहा था वो क्या होगा, y पॉजिटिव हो जाएंगे, मॉड लग गया उन पे, तो आपको सोचिए ये दोनों पॉइंट, ये वाले x पे मुझे अब ये वाली वैल्यू चाहिए, पहले ये थी, तो इसी प्रकार इस पे मान लो ये थी, अब मुझे ये आ जाएगी, तो ओवरऑल क्या होगा ये ग्राफ, और ये हो क्या रहा है बेसिकली, हमने क्या किया इसमें, जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ था नेगेटिव y से उसको रब किया और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ले लिया y x एक्सिस के अबाउट, इससे पहले वाले में अंतर था, उसमें तो क्या किया था, इसको रब करने के बाद इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लिया था, इसमें ऐसा नहीं किया है, इसमें तो क्या हो रहा है बेसिकली, समझो रटना नहीं, अगेन आई एम सेइंग दिमाग लगाना, थोड़ा स्ट्रेस देना, क्या बोल रहा हूं मैं कि इससे पहले वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था मॉड y इक्वल टू ln x उसमें मैंने इसका रिफ्लेक्शन लिया था इधर, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ रब करने के बाद मतलब मेरा कहने वाला जो रब कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इधर क्या है, जैसे पहले मेरा मैंने दोबारा बता दूँ, चलो y is equal to ln x था, अब मेरा y is equal to mod of ln x हो गया, तो देखो जब भी मेरा ln x पॉजिटिव है तब तो ये मॉड का कोई काम ही नहीं है, तो मतलब जब मेरा y पॉजिटिव है पहले वाला ग्राफ इसका ये और ये सेम आएंगे, जब मेरा y पॉजिटिव है तो मैंने बोला ये वाला पार्ट हो गया, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं जब मेरा y नेगेटिव आएगा उस वक्त क्या होगा, ये y मोड लगा दिया ना तो ये तो पॉजिटिव बना देगा उसको, जैसे मान लो इधर मेरे को माइनस 2 मिल रही थी किसी x पे, तो उसी x पे अब मुझे माइनस 2 की जगह प्लस 2 मिलेगी, तो लेट्स मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे लेट्स मुझे माइनस 2 मिल रही है, अब क्या होगा माइनस 2 पे मोड लग जाएगा तो ये प्लस 2 इधर इधर चला जाएगा ये पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट क्या है बेसिकली, दे आर मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, तो क्या किया हमने जो नीचे वाला ग्राफ था ना इसको इसका ही रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख लो कि जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको रब किया, रब द पार्ट बिलो द रब द पार्ट या फिर इरेज द पार्ट ऑफ ग्राफ बिलो द x एक्सिस एंड टेक रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पार्ट अबाउट x एक्सिस एंड टेक, चलो लिख लेते हैं इसको, इरेज the graph, erase the part of graph below the y-axis, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट की, इसको हमने erase किया, इस वाले पार्ट को erase किया, अब क्या किया, जो erase किया उसी पार्ट का क्या करेंगे, reflection about x-axis, and second is take reflection of किसका reflection, erased part का, erased part about x axis, क्लियर हुआ बच्चों, क्या बोला मैंने, erase the part of graph below the y axis and take reflection of erased part, जो erase कर दिया उस part का reflection लेना है मुझे about x axis, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मॉड x पे, ठीक है, उसके बाद हम कुछ मिक्स एग्जाम्पल देखेंगे, और
तो यही हमारे पास यही पांच ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक बार पहले फास्ट गो थ्रू करते हैं, ठीक है, या फिर मैं एक समरी बना देता हूँ टेबल पहले, उसको टेबल पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन वन में हमारा, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन वन, इसमें ए पार्ट क्या था, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो क्या आ रहा था हमारा, कैसे कर रहे थे, रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में लिखना रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। इसको तुम लोगों को भी लिखना एक समरी करके एक पेज पे, इसी में था वाई को रिप्लेस किया माइनस वाई से, तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक ही चीज याद रखना, दूसरी अपने आप हो जाएगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन टू क्या था, एक्स को अगर एक्स माइनस ए से रिप्लेस किया, ठीक है, तो क्या होगा, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, और हमें दिया है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर x प्लस ए से किया तो शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ए इज पॉजिटिव अगेन। अच्छा, इसी में हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, y को रिप्लेस किया y माइनस ए से, तो शिफ्ट टूवर्ड्स अपवर्ड, या फिर शिफ्ट टूवर्ड्स अप, ए ग्रेटर देन जीरो, और y को y प्लस ए से रिप्लेस किया तो शिफ्ट टूवर्ड्स डाउन, ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, देखो ए पार्ट, x को रिप्लेस किया के एक्स से, और इसी के अंदर था y को रिप्लेस किया के वाई से, ठीक है। तो क्या हो रहा था हमारा, x एक्सिस में क्या हो रहा था, स्केल हो रहा था, x एक्सिस को हम डिवाइड कर रहे थे k से, डिवाइड x एक्सिस बाय k, मतलब x एक्सिस को डिवाइड करने से मतलब क्या है, जो भी x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स k से डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली डिवाइड y एक्सिस बाय k, ठीक है, और बाकी इसके अंदर पढ़े थे अगर k पॉजिटिव है तो एक्चुअली सॉरी k अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और k लेस देन 1 हो तो एक्सपैंड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ ए पार्ट क्या पढ़े थे, एक्स को रिप्लेस किया मॉड एक्स से, तो क्या आता है हमारा, क्या करते हैं हम, जो वाई एक्सिस के अबाउट, पहले वाई एक्सिस के लेफ्ट में देखते हैं उसको रब करते हैं, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। तो पहले तो इरेज करते हैं, इरेज दी ग्राफ टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड देन टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ठीक है। और इसी में हमने क्या पढ़ा था, y को अगर मॉड y से रिप्लेस करेंगे तो इरेज द ग्राफ टू द क्या होगा, अब लेफ्ट ऑफ y एक्सिस था, अब क्या कहेंगे, बॉटम ऑफ x एक्सिस, टू द बॉटम ऑफ x एक्सिस देन टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, समझ में आया। और लास्ट जो हमने किया था वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखना क्या किया था हमने, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने, जो x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ था उसको रब किया, रब या इरेज द ग्राफ बिलो x एक्सिस and take reflection of erased graph about x axis, clear हो बच्चों। तो ये हो गया total summary आज भी जो भी हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ numericals, कुछ mixed example देखेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया, जैसे इन दोनों का मिक्स देख लिया, इसका अकेला देख लिया, फिर इस अब क्या करेंगे, फिर इसका भी सिंगल देखें अभी हमने। अब हम मिक्सअप करेंगे, जैसे इन तीनों को मिक्स कर दिया, फिर इन दोनों को, और फिर जो सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे हमारे एंड में, उनमें हम कोशिश करूंगा मैं कि सारी चीजें मिक्स हो जाए एक ही एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो फिर, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैंने कहा पहले हमें ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, चलो ले लेते हैं y इज इक्वल टू, देखना मैं ले रहा हूँ साइन ऑफ मॉड x, और एक ही साथ बनाते हैं हम तीनों को एक ही स्केल में, और मॉड y इज इक्वल टू साइन x,
और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. तो तीनों में डिफरेंस देखते हैं हम क्या क्या आता है. ठीक है ना, ठीक है ना. तो इस सब के लिए हमें पहले रूल्स याद होना चाहिए जो हमने सीखे. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक बार बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू द रूल्स जो मैंने समरी करवाई थी, उसको देख लो एक बार, फिर इसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ. तो देखना क्या हुआ, पहले मैंने y इक्वल टू साइन एक्स बना लेता हूँ. y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैं केवल दो साइकिल बना रहा हूँ. देखना, आई एम ड्रॉइंग इट ओनली टू साइकिल्स. ठीक है, तो साइन ऑफ मॉड एक्स, तो ये हो गया मेरा साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब मैंने बोला मॉड साइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स बनाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या करते हैं हम, जो भी y एक्सिस के लेफ्ट में कर्व होता है उसको मिटा के बचे हुए ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. तो देखना क्या होगा मेरा, ये वाला पॉजिटिव वाला तो रहेगा अभी भी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब इसको रब किया, इसका रिफ्लेक्शन लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स. ठीक है, अच्छा अब हम सेकेंड ये वाला देखते हैं, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या किया, इससे पहले वाले में y एक्सिस के लेफ्ट में कर्व मिटा के फिर रिफ्लेक्शन लिया, इसमें अब x एक्सिस के नीचे वाला कर्व मिटा के फिर रिफ्लेक्शन लेंगे. तो नीचे वाला मिटाएंगे तो ये वाला तो ऊपर वाला तो रहेगा इधर, सिमिलरली इधर ऊपर वाला रहेगा. अब जो नीचे वाला कर्व है इसको मिटा दिया, अब जो बचा हुआ ऊपर वाला कर्व है उसी का रिफ्लेक्शन लेंगे. तो इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये आया और ये आया, तो ये किसका कर्व हो जाएगा हमारा, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, चलो और इसके बाद एक और देख लेते हैं, आखिरी वाला क्या लिखा है हमने, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. इसमें क्या होता है, जो भी x एक्सिस के नीचे वाला कर्व होता है उसका उसको पलट देते हैं, उसको पलट देते हैं मतलब उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं x एक्सिस पे. देखो इसमें क्या अंतर था, देखो इसमें क्या किया था हमने, नीचे वाला रब कर दिया था, नीचे वाला रब कर दिया था, फिर जो बचा हुआ था ना उसका रिफ्लेक्शन लिया था. अब इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला तो वही रहेगा अभी भी, ध्यान से सुनना. अब ऊपर वाले में क्या किया था, इसी का रिफ्लेक्शन लिया था, इसमें इसी का रिफ्लेक्शन नहीं लेना है, जो हमने मिटाया है ना उसी का रिफ्लेक्शन लेना है. तो दिस विल बी द कर्व, सॉरी इसका रिफ्लेक्शन लिया तो ये आ जाएगा, और इधर नीचे का जो रिफ्लेक्शन लिया तो ये आ जाएगा. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल द फोर, ये साइन एक्स हो गया, ये साइन मॉड एक्स, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमारा हो गया फाइनली वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स. क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना, तो कॉपी करो इसको. अब हम देख लेते कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, एक पैराबोला से रिलेटेड, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है काफी. चलो अब मैंने बोला कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस वन. तो x माइनस वन को मैं प्लॉट करूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे कर्व होगा. ठीक है, अब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टी फाइव, उसमें क्या करते हैं हम, ये मॉड ऑफ, ये अगर मैंने जो ये प्लॉट किया, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स. तो ये प्लॉट करना है तो क्या करेंगे हम, जो नीचे वाला कर्व है उसको मिटाएंगे x एक्सिस के नीचे वाला, और जो बचा हुआ उसका तो रिफ्लेक्शन ले लिया, सॉरी नॉट नॉट जो बचा हुआ, जो नीचे वाला जो हमने लिया था ग्राफ उसी को पलट दिया x एक्सिस में. ठीक है ना, उसी का रिफ्लेक्शन ले लिया, तो द ग्राफ विल बी वी शेप, दिस विल बी वन. समझ में आया, तो अब जनरलाइज कर सकता हूं मैं, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस अल्फा. तो क्या करेंगे हम, सिंपली हम एकदम फास्ट होना चाहिए, मतलब देखते से तुरंत ग्राफ एकदम प्लॉट होना चाहिए, इतना सब नहीं करेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा क्या कैसे, नहीं तुरंत देखा मॉड ऑफ x माइनस अल्फा, अल्फा पे लेट्स से ये अल्फा है कुछ तो होगा अल्फा, बस इधर ही वी शेप बना दिया, खत्म. ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ. चलो अब हम देखते हैं इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं. अब मैंने लिया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन, इसका पूरे का मॉड. तो देखो अब इधर तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार, मैं इसको बताता हूं. तो देखो इसमें ना दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, क्या क्या, देखो मैं स्टार्ट किससे करूंगा, y इज इक्वल टू बेसिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस वन. फिर मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, क्या लगाना है, x को मैं रिप्लेस करूंगा मॉड x से, तब क्या बनेगा मेरा, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन. फिर क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मॉड एफ एक्स वाला, टी फाइव. इसमें क्या करते हैं हम, पूरे पे मॉड आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन. क्लियर है, समझ में आया, तो लिखते हैं. तो पहले वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इससे पहले ही बनाई थी हमने ये स्ट्रेट लाइन. तो देखना ये हो गया मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन. पूरा स्केल हम जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन में, तो बेसिक ग्राफ
क्या या क्या करेंगे हम, जो बेसिक ग्राफ बनाया है ना उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो हमेशा लिखना ही है, आदत डालो ठीक है ना। तो जैसे मैंने इधर लिखा 1 एंड इधर -1, अब क्या करें हम, x को mod x से रिप्लेस करना है। तो तुम लोग इधर सेपरेटली ग्राफ बनाओ, क्या करोगे इधर ऐसे लिखो, फिर लिखो x को हमने रिप्लेस किया mod x से, फिर इधर ट्रांसफॉर्म ग्राफ बनाओ, आई एम चेंजिंग इट हियर ओनली। तो क्या होगा देखना, क्या करेंगे हम, x को mod x से रिप्लेस करने के बाद y एक्सिस जो लेफ्ट में कर्व है उसको मिटाया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अब चाहे x 2 जाए चाहे -2 जाए रिजल्ट विल बी सेम। तो -2 भी 2 की तरह ट्रीट होगा, इसका मतलब माइनस जो 2 पे वैल्यू आ रही थी वही -2 पे आएगी, एंड जो ये पॉइंट्स आएंगे दे आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर है? अच्छा ये तो मेरा किसका हो गया, ये दिस इज नाउ एट प्रेजेंट दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब क्या करें, अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन T5, उसमें क्या करते हैं नीचे वाले को पलट देते हैं x एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला पार्ट रब करके ये पलट दिया, तो यू विल गेट हियर इट विल प्लस 1 ये माइनस 1 है। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एक डब्ल्यू शेप आएगा, ठीक है याद रखना क्या क्या किया, दो ट्रांसफॉर्मेशन किए ठीक है। अच्छा तुम लोग वैसे भी कर सकते हो इसको, क्या देखो पहले मैं देखो दिस इज अ मेथड 1 हो गया ठीक है, इसी को मैं एक और तरीके से डिस्कस कर लेता हूं। इंस्टेड ऑफ ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम ये भी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे हम, स्टार्ट तो वहीं से करेंगे y इक्वल टू x माइनस 1 से, ठीक है पहले मैंने इसमें लगाया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर मैं इधर मेरे को मिल गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 मिल गया ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लगाया हमने ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मेरे को इधर क्या लगाऊंगा मैं x को मॉड x रिप्लेस करूंगा, तो यू कैन सी वही चीज मिल रही है मुझे। तो अब मैं पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन मेरी ये थी ठीक है ऐसी, ये लगाते हैं तो क्या होता है, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले, जो नीचे है x एक्सिस के नीचे उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो ये यहां से मिटा, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये किसका ग्राफ हो गया एट प्रेजेंट, इसका। तो हम लोग अलग अलग स्टेप में लिखो, अब x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी y एक्सिस के लेफ्ट में कर्व होता है उसको मिटा देते हैं, तो मिटा दिया। अब जो बचा हुआ ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो इस पार्ट का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दीस बोथ ग्राफ विल बी एग्जैक्टली सेम, हम कैसे भी जा सकते हैं ठीक है ना, पहले मैं फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा फिर सेकंड जो भी हमारा मॉड एक्स वाला था, या फिर हम पहले मॉड एक्स वाला फिर ये वाला, चेंज नहीं करेगा कोई मैटर नहीं करेगा ठीक है ना, बट हाँ करेक्ट होना चाहिए, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम किसी भी मेथड से जाओगे तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट सेम आएगा ठीक है। चलो तो आई होप समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं ले लेता हूँ कुछ क्वाड्रेटिक का एग्जांपल, जो कि मैं स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करूंगा आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो जैसे मैंने अभी स्ट्रेट लाइन का बोला, क्या याद रखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अल्फा या एक्स प्लस अल्फा क्या होता है, रीशेप कर्व होता है, रीशेप कर्व होता है ठीक है ना। चलो अब मैंने लिखा, अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ठीक है। तो इसमें दिस इज अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है और x का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अभी मॉड को हटाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो दिस विल बी अ पैराबोला जिसके रूट्स आर अल्फा एंड बीटा ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx, तो x एक्सिस के नीचे जो कर्व है उसका रिफ्लेक्शन ले लेता हूं x एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ग्राफ पलट जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और नीचे वाला ग्राफ मिट जाएगा, खत्म, दिस इज द ग्राफ ऑफ ये ऊपर वाला, ये वाला ठीक है। तो अब कभी भी कोई पैराबोला है जिसके रूट लेट्स से 3 और 4 है, तो 3 और 4 वाला ग्राफ बनाया, ये 3 ये 4 और पलट दिया इसको, तो ये इस ये किसका कर्व, ये कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 खत्म, जहां रूट्स है उधर जो नीचे वाला पार्ट था x एक्सिस से नीचे वाला उसको पलट दिया बस। क्लियर है बच्चों? तो इसको कॉपी कर लो ठीक है, ये भी एज ए स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे। अच्छा अब और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं हम ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x, इसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूं देखना ध्यान से। अब देखो अब इसमें ना बहुत से बच्चे पहले मॉड x वाला लगाएंगे फिर माइनस वाला लगाएंगे, या फिर माइनस वन वाला पहले लगाएंगे मॉड x वाला लगाएंगे, हम देख लेते दोनों में कौन सा करेक्ट आ रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने x को माइनस x से रिप्लेस किया, तो मेरे को क्या ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। अब मैं क्या लगाऊंगा, x की जगह मॉड x, जहां जहां x लिखा है वहां मॉड x, तो जो जगह y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x,
तो हमें यही तो निकालना था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो वर्क कर रहा है, तो एक बार बना लेते हैं। तो x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, तो क्या होता है y एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाती है पूरी, ठीक है ना, पूरा पलट जाता है y एक्सिस, मिटाते मिटाते नहीं है इसमें, मतलब मिटाते हैं इन मिटाने का, जैसे ये मेरा e की पावर x का ग्राफ है, तो क्या करेंगे e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होगा, इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लूंगा y एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस x। बाकी मैंने सेपरेटली बताया e की पावर माइनस x अलग से, तो ये रेड वाला जो कर्व हो गया दिस इज बेसिकली e की पावर माइनस x। अब क्या करेंगे, अब x को mod x से रिप्लेस किया, तो क्या करें y एक्सिस के लेफ्ट में जो कर्व है उसको मिटाया और जो बचा हुआ पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लिया, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको भी हम एज ए स्टैंडर्ड अगर याद रख सकते हो तो यू कैन मेमोराइज दिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला था कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें पहले मॉड एक्स लगा सकते हैं, तो हम पहले वो भी लगा के देख लेते हैं, उसके पहले मैं ये रब कर देता हूं। मैंने क्या बोला, अभी तो मैंने पहले एक्स को एक्स माइनस वन एक्स से रिप्लेस किया फिर मॉड एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इंस्टेड ऑफ दैट एक बार हम लगा के देखते हैं कि गलती होता है या सही होता है, पहले हम मॉड एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं इसमें। तो लेट मी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इट विद x को mod x से रिप्लेस किया, तो मेरा आएगा e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर mod x, ठीक है। अब मैं अब देखना गड़बड़ क्या हो रही है, अब मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो आ रहा है y इज इक्वल टू e की पावर mod ऑफ माइनस x, और मुझे पता है mod ऑफ माइनस x इज सेम एज mod x, क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है mod ऑफ a इंटू b, दिस इज mod a इंटू mod b, ठीक है, तो इस mod x को कैसे लिख सकता हूं, e की पावर mod ऑफ माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स विच इज e की पावर mod x। तो देखो हमें फिर तो गलत आ गया रिजल्ट, हमारा तो इधर अलग था, ठीक है ना, और वैसे भी देखोगे जब तुम ट्रांसफॉर्म करोगे ना, चलो करते हैं इसको, मैंने बोला y इज इक्वल टू e की पावर x ही है, पहले तुमने mod x वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो तुम्हारा ग्राफ क्या आ जाएगा, ये वाले मिट जाएंगे और ये आ जाएगा ऐसा। आप खुद सोचो जब x को माइनस x से रिप्लेस करना होता है तो क्या करना होता है, हमें y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होता है, अब रिफ्लेक्शन लोगे ये वाला पार्ट इसको सुपर इम्पोज करेगा ये, तो यही का यही बन जाएगा, क्या बोला मैंने पहले e, this is e की पावर mod x का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला अगर तुमने x को माइनस x से रिप्लेस किया तो हम करते क्या है, y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं, तो इमेज लोगे ना इसका y एक्सिस के अबाउट, तो यही करवा जाएगा, इसलिए इधर कोई चेंज दिख नहीं रहा है, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें हमने देखा कि हमें माइनस एक्स पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलो अब एक चीज है स्केलिंग और शिफ्टिंग से रिलेटेड, वो और बता देता हूं, ठीक है, क्या है चीज, क्या है वो देखना था, वाई इज इक्वल टू मेरे को लेट से ग्राफ बनाना है, लेट से आई टेक एल एन ऑफ टू एक्स माइनस टू, ठीक है, कैसे स्टार्ट, और मुझे स्टार्ट करना है बेसिक ग्राफ दैट इज y इज इक्वल टू एल एन एक्स से, तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया y इज इक्वल टू एल एन एक्स से, ठीक है, इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग मतलब x को x माइनस टू से रिप्लेस किया, तो आई एम रिप्लेसिंग x विद x माइनस टू, तो मुझे क्या मिलेगा एल एन ऑफ x माइनस टू, फिर मैंने स्केलिंग यूज की, तो स्केलिंग करूंगा तो क्या आएगा, मैं रिप्लेस करूंगा x को, क्या चाहिए मुझे 2x चाहिए, तो x को रिप्लेस करूंगा 2x से, तो जाएगा एल एन ऑफ 2x minus 2, which is correct, जो मुझे ग्राफ चाहिए था वो आ रहा है, तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया हमने, कर लिया इसको पूरा सॉल्व, देखना अब सुनना, x को x minus 2 से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा 2 यूनिट से, तो पहले मेरा x एक्सिस एसिम्प्टोट, सॉरी y एक्सिस एसिम्प्टोट था, दैट इज x इज इक्वल टू 0, अब मेरा एसिम्प्टोट देखिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, और कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज 2, दिस इज 3, this is what curve of, this is graph of ln of x minus 2, clear हुआ, ये मेरा 3 है, x is equal to 2 asymptote है, पहले asymptote क्या थी, y axis थी मेरी, तो 2 units के साथ क्या, जो 1 पे point, 1 पे value 0 होती थी, अब 3 पे होगी, देख भी रहा है, ln of 3 minus 2, 1, तो this is x axis पे intersect कर रहा है, 3 पे, 3 comma 0 पे, अब क्या किया, अब इसको स्केल किया, स्केल करना तो बहुत आसान होता है, क्या बोलते हैं, जो भी y axis point है, सबको 2 से divide कर दिया, तो 2 divide by 2 क्या हो जाएगा, 1, और ये 3 डिवाइड बाय 2 1.5, सो दिस इज फाइनली ग्राफ ऑफ, नाउ दिस इज ग्राफ ऑफ ln ऑफ 2x माइनस 2, क्लियर हुआ बच्चों, आसान है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि अगर मान लो मैंने इसी कर्व को लिया y = ln x को, अब किसी बच्चे ने शिफ्टिंग की बजाय पहले स्केलिंग कर दिया, स्केलिंग कर दिया, इसका मतलब x को 2x से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी जो बता रहा हूं इट्स परफेक्टली करेक्ट, तो हमारा कर्व आ जाएगा ln ऑफ
टू एक्स, तो इसको मैं साथ साथ प्लॉट भी करते जाता हूँ। चलो ln ऑफ 2x, तो ln ऑफ 2x को क्या होगा, ये 1 था तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, स्केल करते हैं तो क्या करते हैं x एक्सिस को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू, वो दिख भी रहा है 1 बाई टू रखने पे, इधर ln 1 0 आ रहा है, तो करेक्ट है, दिस इज ग्राफ ऑफ ln ऑफ 2x। अब सुनना ध्यान से, अब दिमाग वाला पार्ट आएगा। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर x माइनस, इधर 2x माइनस 2 देख के इस वाले में x को रिप्लेस कर देते हैं, वो x को x माइनस 2 से, यही गलत हो जाता है। When you replace x with x minus 2 ना, तो इधर क्या आएगा 2x minus 4 आएगा, बट मुझे क्या चाहिए 2x minus 2, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि 2x minus 2 कैसे लाऊं, मैं x को क्या शिफ्ट करूं, तब फिर मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि I should say x is equal to x minus 1, अगर 1 यूनिट से शिफ्ट करूंगा तब एक्चुअली इधर इधर मेरा क्या आएगा y is equal to 2x minus 2, तो दिस इज करेक्ट। देखो ऊपर वाले में तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो शिफ्टिंग पहले किया तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं, जो उधर लिखा है वही करते गए, बट इधर मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, इधर दिख तो रहा है 2 बट हो रहा है एक्चुअली 1, करम 1 यूनिट से रहे। अब मतलब खुद सोचो इस वाले ग्राफ को मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये ग्राफ कितना यूनिट खिसका, ये 1 बाय 2 3 बाय 2 पे चला जाए तो 1 यूनिट ही खिसकेगा ना, और ये दिख रहा है x को x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 1 यूनिट खिसक जाएगा। तो मैं ग्राफ इधर बना देता हूँ, पहले जो हाफ पे था वो 3 बाय 2 पे पहुंच जाएगा, और जो y एक्सिस है वो एसिम्प्टोट का काम कर रही थी, 1 यूनिट खिसकाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट हो जाएगा, तो दिस इज x इज इक्वल टू 1, ये मेरा एसिम्प्टोट होगा, कर्व विल बी लाइक दिस, और दिस विल बी 3 बाय 2, 1 यूनिट आगे की तरफ खिसकाया मैंने। क्लियर है बच्चों? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों की जरूरत पड़ जाए, स्केलिंग मतलब x को kx से और शिफ्टिंग मतलब x को x माइनस अल्फा से या x माइनस a से, तब आई विल प्रेफर शिफ्टिंग फर्स्ट। तो इधर लिख लो एज ए नोट, ऑलवेज प्रेफर, ऑलवेज ऐसे लिख लो, ऑलवेज डू शिफ्टिंग फर्स्ट, ऑलवेज डू शिफ्टिंग फर्स्ट देन do scaling, shifting में scaling मतलब x को kx से, और इधर भी shifting shifting लिखा है ना, इधर लिख लो x को x minus a से है, x minus alpha से जो भी है, ठीक है, हमेशा हम shifting prefer करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें दिमाग कम खर्च होगा as compared to this one, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है ना। जैसे for example मान लो मैंने तुम्हें एक और देख लेते छोटा सा, इसको लिख लेना, ठीक है ना, मैं रब कर रहा हूँ, मैंने बोला, अब थोड़ा मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, एक जस्ट थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ स्केलिंग और शिफ्टिंग में, हम शिफ्टिंग क्यों प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मैंने एक आध एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू, चलो अब साइन का ले लेते हैं, साइन ऑफ 3x प्लस 4, तो खुद सोचो अब मेरे को स्टार्ट करना है साइन x से, तो मैंने पहला मेथड 1 y इज इक्वल टू साइन x से स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छा अब साइन x से स्टार्ट किया, अब मैंने क्या किया, पहले x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया, शिफ्टिंग किया, 4 से रिप्लेस करूंगा तो 4 यूनिट्स पीछे खिसक गया, प्लस है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 4, अब मैंने स्केल किया x को 3x से, तो क्या हो जाएगा, x के 3x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4, तो दिख रहा है काफी आसान हो गया, कोई दिमाग खर्च नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो तुमने इधर पहले स्केल किया होता इधर 3x देख के, तो क्या लिखते x को 3x लिखते, तो क्या हो जाता y इक्वल टू साइन ऑफ 3x। अब तुम x को x प्लस 4 से नहीं कर सकते इधर 4 देख के, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं x को किससे रिप्लेस करूं सच दैट इधर 3x प्लस 4 आ जाए, तो क्या होगा, इधर ऑलरेडी 3 है, तो 3x into something मेरा 3x प्लस 4 आ जाए, तो वो समथिंग क्या होना चाहिए, x प्लस 4 बाय 3, क्या होगा, x प्लस 4 बाय 3 करके देख लो, तुम इधर लिखोगे साइन ऑफ 3 ऑफ x, और x क्या है हमारा, x प्लस 4 बाय 3, तो क्या आ गया 3x प्लस 4, देखो वही आ गया वो चाहिए था, तो सोचो इधर दिमाग लगाना पड़ा ना, इधर सोचना पड़ा 4 बाय 3 आ रहा है, इधर तो डायरेक्टली हमें x प्लस 4 ही लिखना पड़ा था जो इधर दिख रहा था हमें, बट इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, इसलिए आई विल नॉट प्रेफर दिस वन, वी विल प्रेफर दिस वन, ऑल्दो इससे आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4, समझ में आया, व्हाई वी आर प्रेफरिंग शिफ्टिंग फर्स्ट देन स्केलिंग, हमेशा शिफ्टिंग पहले करना है देन स्केलिंग, क्लियर है बच्चों। चलो तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, हमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, अब एक tan इनवर्स वगैरह पे देख लेते हैं। चलो मैंने बोला प्लॉट करो, चलो अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू, चलो cos इनवर्स पे एक भी नहीं हुआ, प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें ग्राफ भी याद हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3, लेट्स से
ठीक है। और चलो इसको और वो कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉड वाई लगा देते हैं, ठीक है। और भी अच्छा करना है तुम्हें क्वेश्चन, तो चलो इस पे ही मॉड लगा दिया, ठीक है। तो मेरा फाइनली क्वेश्चन हो गया, मॉड वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 times mod x minus 3, ठीक है। पहले क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, काफी सीखने मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, बेसिक ग्राफ दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x से। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इसके नीचे बना लेता हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो एकदम जैसे कि मैंने बोला जो बेसिक ग्राफ है दे शुड बी ऑन टिप्स, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा। और हमेशा ग्राफ जब भी बना रहे तो यू हैव टू स्केल इट, मतलब प्रॉपरली तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा उसका एक्स कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, उसके कोऑर्डिनेट्स, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय सॉरी पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज माइनस वन, दिस इज वन। ये तो हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब सुनना, अब क्या किया मैंने, अब एक काम करते हैं, पहले शिफ्टिंग कर देते हैं, क्योंकि जैसे शिफ्टिंग से क्या होगा एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, फिर स्केल कर देंगे, फिर मॉड ले लेंगे, फिर इधर वाला मॉड। तो आई एम डूइंग नाउ एक्स को एक्स माइनस थ्री से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इधर मेरा आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स सॉरी कॉस इनवर्स। चलो पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं, एक्स माइनस थ्री, फिर मैं क्या करूं एक्स को मॉड एक्स से भी नहीं, मॉड एक्स से नहीं, टू से टू एक्स से रिप्लेस करो, पहले स्केल करो, तो शिफ्टिंग देन स्केलिंग, तो एक्स को 2x है, तो मेरा हो जाएगा y is equal to cos inverse 2x minus 3, ठीक है। अब क्या करें, x को mod x से replace करो, now replace x with mod x, और फिर जो भी आए उसमें result, उसमें क्या करो y को replace करो mod y से। तो सोचो कितने transformation लग रहे हैं, 1 2 3 4, total 4 transformation लग रहे हैं, ठीक है। एक अभी तो ये हमारा question हो गया, अब हम लगाते हैं चारों transformation। तो x minus 3, तो x माइनस थ्री मतलब 3 units आगे से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस वन वाला पॉइंट का चला जाएगा 2 units 3 units आगे, तो माइनस वाला 1 2 पे चला जाएगा, तो दिस सॉरी या 2 पे चला जाएगा, ये 2 हो गया, दिस विल बी द पाई वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ऐसा कब और ये ऐसा, और ये 1 वाला पॉइंट का चला जाएगा 4 पे, और ये हमारा किस पे रहेगा 3 पे, और इधर वैल्यू कितनी है पाई बाय 2। क्लियर हुआ बच्चों, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, इसका, ठीक है। अब x को 2x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैं क्या स्केलिंग इसी वक्त कर देता हूँ, ठीक है ना, इसी वक्त कर देता हूँ, मतलब जो भी x एक्सिस वाला है उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा, क्या बनेगा, उसमें क्या करूंगा, ये 2 की जगह 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 3 बाई 2 मतलब 1.5, और ये 4 बाई 2 इज 2, समझ में आया। अब क्या करें हम, अब x को mod x रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या होता था x को mod x रिप्लेस करने पे x x y एक्सिस की इस साइड जो कर्व होता था उसको मिटाते थे, बट इस साइड तो कुछ है नहीं, तो ठीक है नहीं मिटाया, बचे हुए का रिफ्लेक्शन ले लिया। तो अब देखना इस वाले का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, दिस इज 1, this is 1.5, this is 2, now this will be minus 1.5 minus 2 and this will be 1, clear हुआ बच्चों। इसको कलर अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या किया हमने इसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया y एक्सिस पे मिटाने के बाद, बट मिटाना कुछ पड़ा ही नहीं हमें, और कुछ था ही नहीं इससे, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसका रिफ्लेक्शन लिया, कुछ भी देखो क्लियर होगा ना, x को mod x से करते हैं तो हमारे लिए 2 और minus 2 सेम ट्रीट होता है, जैसे 1.5 और minus 1.5 सेम ट्रीट होगा, सेम ट्रीट होगा मतलब 1.5 पे जो आउटपुट है वही minus 1.5 पे आ रहा है, तो देखो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ठीक है ना। तो अच्छा इसको मैं एक बार ब्लू कलर से कर देता हूं, ये क्वेश्चन से तुम्हारे सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारे, नॉट सारे बट ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। अब क्या करें, बचा हुआ है अभी हमारा थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो इधर लिख लो, ये वाला चलो कर्व लिख देता हूं मैं इधर, ये किसका कर्व है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 मॉड x माइनस 3। अब क्या करें, y को मॉड y से रिप्लेस करना है, तो क्या करते हैं हम x एक्सिस के, अब x एक्सिस में नीचे जो कर्व होता है वो मिटाते हैं, बट ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट बचे हुए का रिफ्लेक्शन तो लेंगे हम, तो रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या बनेगा कर्व देखो, तो ये कर्व हो गया हमारा जो ब्लू वाला कर्व बनाया मैंने, दिस इज कंप्लीट कर्व, तो समझ रहे हो हम छोटे छोटे टूल से कैसे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम एंड अप करते हैं क्लास,
आज की, और जरूर करना उसको, ठीक है ना। और मतलब पहले अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़े हैं आज की क्लास में, उसको पहले अच्छे से याद बोलना, मतलब ये बोलूंगा तुम रट जाओ उसको समझ के, बट ठीक है ना, उसको एकदम टिप्स पे रखो कि एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, वह मॉड वाई से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए, तुम्हें अटेम्प्ट करने और अच्छे से अटेम्प्ट करने, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जेई में आए हुए बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है। तो देखना, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है, सब क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने। देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया, इसमें ऑलमोस्ट सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो गए, ठीक है ना। एक और कर देते, चलो एक और ग्राफ लिख लेते हैं, सिक्स्थ वन। इसमें हो गया मेरा वाई इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखो माइनस टू वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सिक्स टाइम्स मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस थ्री, और एक और ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर पूरे पे मॉड, ठीक है ना, ये सिक्स टाइम्स मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। तो दिस विल, दिस सिक्स विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने टेन इनवर्स यूज, कॉट इनवर्स इसलिए थोड़ा ले लिया सो दैट हमारा बेसिक ग्राफ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कॉस इनवर्स हो गया, और बाकी के ये लास्ट के दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लग गया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको एक काम करते, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है, इतना ही काफी है, क्योंकि मॉड वाई का इधर प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, मॉड एक्स के इधर हो गए सारे ऑलमोस्ट, एवरी क्वेश्चन इज ऑन मोड एक्स, माइनस एक्स पे भी हो गया, ठीक है, इतना काफी है। तो इसमें जैसे मैंने बोला क्या क्या लगेगा, एक तो एक्स को मोड एक्स वाला लगेगा, फिर स्केलिंग लगेगा, शिफ्टिंग लगेगा, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स लगेगा, तो मतलब चार ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, एक्सेप्ट वाई इज इक्वल टू मोड वाई वाले को छोड़ के बाकी चारों ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग करो और अच्छे से करो, और कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना, फील फ्री टू आस्क। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।